नमस्ते दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की मेरी और मेरी परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा। आज के दिन काफ़ी लोग उपवास रखते हैं, तो चलिए मैं आपको उपवास में खाने वाली एक स्वीट डिश आज बनानी बताती हूँ, उसकी रेसिपी बताती हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, देख के तो आप पहचान ही गए होंगे ये कौन सी स्वीट डिश है। जी हाँ, ये है रसीली रसीली चमचम। चलिए ये हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है, उसको अच्छे से मैं बॉयल कर रही हूँ। देखिए ये अच्छे से अभी बॉयल हो चुका है, कम से कम 3-4 मिनट लगते हैं। बॉयल होने के बाद इसमें मैं 2 से 3 चम्मच विनेगर ऐड कर रही हूँ। विनेगर ऐड करके इसको अच्छे से हिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। धीरे धीरे जैसे आप मिक्स करेंगे ना, आपको दिखेगा कि धीरे धीरे इसमें छेना तैयार हो रहा है। बस इसको 5 मिनट आप इसी तरह से मिक्स करते रहिए, पूरा छेना तैयार हो जाएगा और पूरा पानी अलग हट जाएगा, आपको दिखेगा ही वो वैसा। ये देखिए, ये दिख ही रहा है इस तरह से, पूरा ये छेना तैयार हो रहा है। ये देखिए, पूरा छेना अच्छे से तैयार हो गया और पानी पूरा अलग हो गया है। बस हमें अब इसे छानना है। एक छन्नी ले लीजिए, उस पर कॉटन का कपड़ा रखिए, ये बहुत ज़रूरी है, बिना कॉटन के कपड़े से नहीं होगा, इसीलिए कपड़ा रखना ज़रूरी ही है। इसमें मैं ये छेना पूरा अच्छे से अभी छान लूँगी, ये इस तरह से। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ये इस तरह से पूरा छान लिया है मैंने। अभी इसके ऊपर से मैं 1 ग्लास ठंडा पानी डाल दूँगी, जिसकी वजह से क्या होगा, विनेगर का जो खटास है वो पूरी तरीके से हट जाएगा, छेना से अलग हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से कर दिया है मैंने। अभी हम इसी कॉटन के कपड़े की गठरी बांध देंगे। गठरी बांध के कुछ इस तरह से हम रख देंगे, 2 से 3 घंटे में ये तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे 2 से 3 घंटे अभी ढक के अलग छोड़ देते हैं, पूरा पानी इसका निकल जाना चाहिए। तो ये देखिए, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और पूरा पानी अभी इसका निकल चुका है। ये देखिए, ये इस तरह से तैयार हो चुका है। अगर आपको पनीर बनाना है तो इसी सेम प्रोसेस में आपको क्या करना है, वो कॉटन के कपड़े के ऊपर आप एक कुछ एक हैवी सी सिलबट्टा बोलिए या उस तरह से आप रख दीजिए, तो वो पनीर भी तैयार हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, हल्का सा ऑरेंज कलर है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा कलर आता है उससे, इसलिए मैंने वो ऐड किया है। अब मैं ये अपने हथेली की मदद से इसे पूरे अच्छे से स्मैश करूँगी। इसको कम से कम 5 से 10 मिनट आप अच्छे से स्मैश करिए, ताकि जो हमारा रसगुल्ला है, जो चमचम है, उसमें क्रैक ना पड़े। ठीक है, तो ये इसे अच्छी तरह से हम स्मैश कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से पूरा अच्छे से स्मैश कर दिया है मैंने। अभी बस स्मैश करके मैं इसका चमचम के शेप का बॉल्स जो है वो तैयार कर लूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से करना है आपको। बहुत ही इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स, आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से तैयार हो चुका है। इसको आप कॉटन के गीले कपड़े पे ही ऐसे मतलब ढक के रखिए, ताकि इसमें क्रैक्स ना आए। अब हम चाशनी बना लेते हैं। एक कढ़ाई ली है मैंने, जिसमें 1 ग्लास पानी लिया है, उसमें मैंने 2 कटोरी में अभी शुगर डाल दूँगी, क्योंकि रसगुल्ले का जो सिरप है वो पतला रहता है, बहुत गाढ़ा नहीं रहता, गुलाब जामुन जैसा नहीं रहता। ये बॉयल आने के बाद मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, और बस इलायची पाउडर डालने के बाद मैं 1-1 चमचम इसमें डाल दूँगी। ये इस तरह से पूरे चमचम डाल दूँगी मैं, और इसे अच्छे से कम 15 से 20 मिनट हाई फ्लेम पे ही बॉयल होने देना है, और वो भी ढक के। ठीक है, ये 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, अभी आप ये चमचम इस तरह से तैयार हो चुका है। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये चमचम, आप इजीली घर पे बना सकते हैं। आप इसे गार्निश करिए, ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व करिए, और इसका प्रसाद भी लगा सकते हैं आप, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कुकिंग विद कौस्तु। बाय बाय, सी यू।